हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमिन्स का मास स्पेक्ट्रम। एमिन्स टू टाइप्स की होती है, एलिफेटिक एमिन्स एंड एरोमेटिक एमिन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक एमिन्स की। एलिफेटिक एमिन्स में अगर मॉलिक्यूलर आयन की पीक ओड मास नंबर पे आती है, देन द मॉलिक्यूल कैरीज एन ओड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर ओड मास नंबर पर पीक आ रही है, दैट मीन्स जो नाइट्रोजन एटम है वो भी ओड नंबर में ही प्रेजेंट है। द मॉलिक्यूलर आयन पीक इन मोनोएमिन्स इज फॉर्म्ड इन वेरी स्मॉल अबंडेंस एंड इज अनडिटेक्टेबल इन लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन एमिन्स। अगर हम मोनोएमिन्स की मॉलिक्यूलर आयन पीक की बात करें, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसकी अबंडेंस बहुत ही कम होती है और वो लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन एमिन में तो डिटेक्ट भी नहीं होती। फॉर प्राइमरी एमिन्स द बेस पीक इज फॉर्म्ड एट M/E30 ड्यू टू CH2 डबल बॉन्ड NH2+ आयन। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द मॉलिकुलर आयन बाई एल्फा क्लीवेज। मॉलिकुलर आयन पीक से एल्फा क्लीवेज की वजह से जो आयन बनता है, फ्रेगमेंट आयन, उसकी वजह से प्राइमरी एमिन में बेस पीक आती है M/E30 पर। हायर होमोलॉग्स ऑफ एमिन्स में अपियर एट M/E44, 58 एट्सेट्रा, बट देयर रिलेटिव अबंडेंस इज मच लेस। द पेरेंट आयन में लॉस एन एल्कीन टू फॉर्म ए फ्रेगमेंट आयन एट M± CnH2n। लॉस ऑफ लार्जेस्ट ब्रांच फ्रॉम द एल्फा कार्बन एटम इज प्रिफर्ड। जो लॉन्गेस्ट चेंज होती है कार्बन की, वहाँ से एल्फा बॉन्ड का क्लीवेज होता है। When R or R1 is S, then M-1 signal is formed. The same type of cleavage is also noted in case of alcohol. Alcohol की तरह amines में भी अगर hydrogen atom present होता है carbon के साथ जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर M±1 पर भी peak observe होती है। This effect is more pronounced due to the better resonance stabilization of fragment ion as the electronegativity of nitrogen is less compared to oxygen। और alcohol की तुलना में यहाँ पर ये fragmentation mode ज़्यादा preferable होता है due to the resonance stabilization, क्योंकि nitrogen की electronegativity oxygen से कम होती है। In higher aliphatic alkyl amines, beta cleavage is not very significant, gamma cleavage is sometimes प्रिफर्ड। हायर एलिफेटिक एल्काइल एमिन्स में बीटा क्लीवेज की तुलना में गामा क्लीवेज समटाइम्स मोर प्रिफर्ड होता है। हमें यहाँ पर इथाइल एमिन का मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। इसमें मॉलिकुलर एंड पीक आती है 45 पर, और यहाँ पर क्योंकि जो एल्काइल जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के एडजेसेंट, उस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर मॉलिकुलर आयन से एक हाइड्रोजन रेडिकल का रिमूव हो जाता है और अनादर पीक जो आती है वो आती है 44 पर। और अल्फा क्लीवेज की वजह से बेस पीक आती है 30 पर। द पेरेंट आयन लॉसेस ए हाइड्रोजन रेडिकल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये देखिए मॉलिकुलर आयन 45 पर जब अल्फा क्लीवेज होता है, तो M/30 पर बेस पीक आती है और हाइड्रोजन रेडिकल के निकलने से ये M/44 पर भी आपको पीक दी हुई है। इन एमिन्स ए हाइड्रोजन रेडिकल इज लॉस्ट फ्रॉम द पेरेंट आयन टू गिव M-1 पीक। इन हायर एलिफेटिक एमिन्स बीटा क्लीवेज इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड गामा क्लीवेज इज समटाइम्स प्रिफर्ड। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक एमिन्स की। एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स पेरेंट आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम। एरोमेटिक एमिन्स में जो पेरेंट आयन पीक आती है वो नाइट्रोजन एटम पर नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से आती है। The elimination of hydrogen radical and S chain molecule are very common from the parent ion. Thus, in primary aromatic amines, M-1 and M-27 signals are often observed.
द एलिमिनेशन ऑफ 27 मास यूनिट्स गिव ए सिग्नल ड्यू टू साइक्लोपेंटा डाइनाइल कैटाइन फॉर एन एल्काइन एमीन्स एल्फा क्लीवेज ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज कॉम। हमें यहाँ पर एनिलीन का मास स्पेक्ट्रम दिया गया है। नाइन्टी थ्री पर यहाँ पर मॉलिकुलर आयन पी कर रही है, देन 66 जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये मॉलिकुलर आयन पी करती है 93 पर और हाइड्रोजन रेडिकल के लॉस की वजह से एम बाई 92 पर पी करती है एंड एस सी एन के लॉस की वजह से एम बाई 66 पर पीक आती है। ये 66 वाली पीक हमें दिख रही है। देन सिक्सटी सिक्स में से जब हाइड्रोजन रेडिकल निकल जाता है तो उससे एम बाई 65 पर अनादर पीक आती है। इन केस ऑफ टोलोइडिन्स ऑर्थो मेटा और पैराटोलोइडिन द मोलिकुलर आयन लॉसेस हाइड्रोजन टू फॉर्म ए बेस पीक एट एम बाई 106 विच फर्दर लॉस ए मोलिकुल ऑफ एस सी एन। इन फैक्ट टोलोइडिन लॉसेस हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म एजाट्रोपिलियम आयन एट एम बाई 106। अब इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स की। द मोलिकुलर आयन पीक इन एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड इज यूजुअली एबसेंट बट इट इज प्रोमिनेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड की तुलना में एरोमेटिक कंपाउंड्स में मोलिकुलर आयन पीक मोर प्रोमिनेंट होती है। इन एलिफेटिक कंपाउंड द सिग्नल ड्यू टू एनओ प्लस एंड एनओ टू प्लस आर यूजुअली ऑब्जर्व। इन एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स द सिग्नल्स फॉर एनओ प्लस एनओ टू प्लस एम माइनस एनओ प्लस एंड एम माइनस एनओ टू प्लस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड। इफ ए हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट और टू द नाइट्रो ग्रुप द एम ओ एच पीक इज ऑल्सो ऑब्जर्व। फॉर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड में एनओ प्लस और एनओ प्लस टू की साथ साथ मॉलिकुलर आयन में से जब ये दोनों स्पीसीज निकल जाती है तो उनकी वजह से पीक्स आती है। और अगर ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में तो वहाँ पर एम ओ एच पीक भी ऑब्जर्व होती है। अब हम एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की बात करें तो मॉलिकुलर आयन पीक जो आती है वो आती है ओड मास नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक पीक्स आती है ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रो रेडिकल एंड ऑल्सो नाइट्रोसोनियम रेडिकल इज लॉस्ट फॉर्मिंग फिनोक्सी कैटायन। यहाँ पर हमें नाइट्रोबेंजीन का फ्रेगमेंटेशन मोड समझाया हुआ है। मॉलिकुलर आयन पीक आती है 123 पर, रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट में एनओ प्लस मॉलिक्यूल के लॉस होने से एम बाई 30 पर पीक आती है और जो स्पीसीज बनती है वो 93 पर पीक शो करती है। उसमें फर्दर एलिमिनेशन होता है और एम बाई 65 पर हमें पीक मिलती है। दूसरा जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें एनओ टू रेडिकल निकलता है और एनओ टू रेडिकल की वजह से पीक आती है और जो स्पीसीज बनती है उसकी वजह से एम बाई 77 पर पीक आती है और फिर उसमें से एसिटिलिन मॉलिक्यूल निकल जाता है और एम बाई 51 पर पीक ऑब्जर्व होती है। व्हेन ए सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन द मेटा और पैरा पोजिशन द फ्रेगमेंटेशन मोड आर सिमिलर टू दोज एज ऑब्जर्व इन नाइट्रोबेंजीन बट व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन द ऑर्थो पोजिशन देन इट इंटरेक्ट्स विद नाइट्रो ग्रुप एज फॉलोज। अगर नाइट्रोबेंजीन की मेटा और पैरा पोजिशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो उसकी जो पीक्स हैं वो नाइट्रोबेंजीन के इक्विवेलेंट ही आती है, लेकिन अगर ऑर्थो पोजिशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका फ्रेगमेंटेशन डिफरेंटली होगा
और जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पेरेंट आयन पीक 137 पे आती है, फिर यहाँ से OH रेडिकल के लॉस की वजह से एम बाई 120 पर भी पीक आती है, देन CO मॉलिक्यूल रिमूव होता है और एम बाई 92 पर हमें पीक मिलती है। हमें यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन का फ्रेगमेंटेशन मोड समझाया गया है, जिसमें कि OH रेडिकल निकलता है यहाँ से और उसकी वजह से एम बाई 121 पर पीक आती है। अब हम बात करेंगे एलिफेटिक नाइट्राइल्स की। द मोलिकुलर आयन पीक ऑफ एलिफेटिक नाइट्राइल्स इज वीक और मे बी एबसेंट। नाइट्राइल्स में, एलिफेटिक नाइट्राइल्स में मोलिकुलर आयन पीक या तो एबसेंट होती है या बहुत ही वीक होती है। ए वीक बट डायगोनिस्टिकली यूजफुल एम माइनस 1 पीक इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ए अल्फा हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म ए स्टेबल आयन। और यहाँ पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पीक आती है, वो आती है एक हाइड्रोजन रेडिकल के रिमूव होने से, उसकी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है और एम बाई 41 पर पीक आती है। द बेस पीक ऑफ स्ट्रेट चेन नाइट्राइल्स बिटवीन C4 एंड C9 इज एम बाई 41। दिस पीक इज ड्यू टू द आयन रिजल्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन रीअरेंजमेंट इन 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ए पीक एट एम बाई 97 इज कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटेंस इन स्ट्रेट चेन नाइट्राइल्स C8 एंड हायर। द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन सजेस्टेड। अगर हायर कार्बन कंटेनिंग अगर नाइट्राइल्स है तो वहाँ पर फॉलोइंग मैकेनिज्म से एलिमिनेशन होता है एल्किन का, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन एंड हायर स्ट्रेट चेन होती है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र नाइट्रोजन पर हो जाता है और यहाँ से एल्किन का एलिमिनेशन हो जाता है और यहाँ पर इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है और एम बाई 97 पर पीक मिलती है। तो ये तो बात हो गई नाइट्राइल्स के मास स्पेक्ट्रम की। अगर हम इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात करें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के, तो वो कुछ इस प्रकार है। मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो पीक्स आती हैं उनकी रिलेटिव अबंडेंस डिपेंड करती है आयंस के एम बाई ई रेशियो के अकॉर्डिंग आती है। और मोलिकुलर आयन पीक इज नॉट जनरली विजिबल इन केस ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल में मोलिकुलर आयन पीक नहीं आती। और जो मैक्सिमम अबंडेंस की पीक होती है हम उसे बेस पीक कहते हैं। द मोलिकुलर आयन और पेरेंट आयन पीक मे और मे नॉट बी द बेस पीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और जनरली ये नहीं होती है। द मोलिकुलर आयन हैज़ यूजुअली द हाइएस्ट एम बाई ई वैल्यू इन द स्पेक्ट्रम एंड इट्स एम बाई ई वैल्यू इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। एम प्लस 1 एंड एम प्लस 2 पीक ऑल्सो अपियर्स इन वेरी लो अबंडेंस एंड ऑल्सो कॉल्ड आइसोटोप पीक। ठीक है, द मोलिकुलर आयन इज यूजली नॉट मच स्टेबल एंड टेंड्स टू फ्रेगमेंट। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मोलिकुलर आयन प्रोड्यूस डॉटर आयन ऑफ डेफिनेट एम बाई वैल्यू विच हेल्प इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। इन मैक्लाफर्टी रिएजमेंट एन एल्किन मोलिकुल इज लॉस्ट इन ए साइक्लिक रिएजमेंट विथ गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। द इंटेंसिटी ऑफ एम प्लस 1 पीक इज वैल्यूएबल टू नो द नंबर ऑफ कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन एटम्स
इन केस नाइट्रोजन इज एब्सेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ एम प्लस वन पीक बाय 1.1. इन ए टिपिकल केस इफ एम प्लस टू पीक ऑफ द पेरेंटाइल लुक्स लार्जर देन द एम प्लस वन पीक द कंपाउंड में कंटेन सल्फर क्लोरीन और ब्रोमीन एटम. इफ ए कंपाउंड कंटेन्स क्लोरीन एटम देन पेयर ऑफ पीक्स आर ऑब्टेंड एट टू मास यूनिट्स अपार्ट इन द इंटेंसिटी रेशियो 1:3. बट इन केस ब्रोमीन एटम इज प्रेजेंट देन पेयर ऑफ पीक्स एट टू मास यूनिट अपार्ट आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी. The most intense peak in the mass spectrum is called the base peak. Its relative intensity or abundance is taken as 100 and the intensities of other peaks, including the parent ion, are expressed as percentage of parent peak. Mass to charge ratio is a dimensionless ratio of the mass number of the given particle to the charge, to the number of the charge carried by the particle. Usually the particle is singly charged and the ratio is often expressed as m by e. Doubly charged particles are insignificant in the mass spectra of organic compounds, but the peak corresponding to the stable doubly charged ion may be sometimes useful. The relative abundance of the given ion tells its intensity relative to the base peak, which is the most intense peak in the spectrum. Fragmentation of the molecular ion occurs by the cleavage of bond in two ways, heterolytic or homolytic.